तो एक बार फिर से हम सारे ट्रेंड्स आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी अपने दम पर 237 सीटों पे आ गई, आरएलडी सहयोगी दल पश्चिमी यूपी में सीट उनके दो, अभी वो भी आगे हैं, और ओवरऑल 292 एनडीए और इंडी गठबंधन 229 पर अभी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। और अभी दोनों ही तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है ये ट्रेंड्स हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, घंटे दो घंटे में कन्वर्जन रेट कुछ भी हो सकता है, ये आश्वस्त बीजेपी वाले भी हैं। और ऐसी उम्मीद लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। जी रोहित जी, जी रोहित जी 10 सेकंड, जी बोलिए ना सर। रोहित जी सिर्फ 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड बोलिए बोलिए बोलिए। रोहित जी अब आपसे विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, देश का एक बड़ा जनमानस इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है, एटलीस्ट आप अपने उस उच्चारण को चेंज करें। प्रधानमंत्री तो अहंकार में इंडिया शब्द नहीं बोलना चाहते थे हमारे गठबंधन को, आप अपने चैनल पर इंडी गठबंधन मत बोलिए, आपसे विशेष आग्रह है। चलिए, ये देश है। के लाखों करोड़ मतदाताओं का कहीं ना कहीं अपमान है। चलिए ठीक है, शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा एक बार पूछ लें। देखिए शिवम, आपने सुना अगर अजय उपाध्याय उन्होंने कहा है कि देखिए अब इंडी गठबंधन नहीं, ये प्यार मिला है, मोहब्बत मिला है, इसलिए वो इंडिया नजर आ रहा है। अब आप कैसे देते हैं, आप थोड़ी देर पहले जब हमारे साथ सुबह 8:30 बजे जुड़े थे तो आपने कहा था कि 2 घंटे बाद ये कन्वर्जन कुछ और होगा, लेकिन ये कन्वर्जन अभी भी आप जैसा बताते चल रहे थे वैसा तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा वाले आज भी सुधरे नहीं है, कहते नहीं इंडी अलायंस को इंडिया कहो, अभी थोड़ी देर बाद जब हार जाओगे तो कहेंगे इंडिया हार गया, ये नहीं कह सकते ना कि इंडिया हार गया, हिंदुस्तान तो जीतेगा ही अल्टीमेटली, तो इंडिया नहीं हो भाई, इंडी हो, इंडी ही रहोगे, क्योंकि इंडी हारने वाला है और अभी भी हार ही रहे हो। एनडीए जिस तरीके से 292 पर है, अभी थोड़े समय बाद 1 घंटा और मैक्सिमम मुझे लगता है उन्होंने 2 घंटे आपसे मांगे, मैं 2 घंटे नहीं कहूंगा, 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से ट्रेंड्स जिसकी हम बात कर रहे थे कमोबेश वहीं पहुंच जाएंगे, स्थिति वही रहेगी। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इन ट्रेंड्स में इंडिया अलायंस को अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन 1 घंटे बाद जब आप स्थितियां देखेंगे कमोबेश वही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अभी भी 40% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी है जो स्थितियां चल रही है, और कांग्रेस इसके उलट अभी अप्रोक्सीमेटली 23% वोट पर है। शिवम फिर क्या ऐसा हो गया कि आपकी आपकी जो ये जनता पार्टी जनमत वाली बुलेट ट्रेन थी वो थोड़ी स्लो हो गई, हॉल्ट कहां पे लग गया? कहीं होल्ड और हॉल्ट नहीं है, बिल्कुल हॉल्ट नहीं और ना लगने वाला है। देखिए अभी भी एनडीए के नाम पर जो टैली है वो 292 सामने लगी हुई है, लेकिन हाँ जिस तरीके के ट्रेंड्स की बात हो रही थी इनिशियली वो अभी दिखाई नहीं दिए हैं। अभी भी 114 वो सीट्स हैं जिस पर इंडी अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो 10,000 से आगे हैं मात्र। अभी 1 घंटे में आप देखेंगे कि ये किस तरीके से स्थितियां बदलेंगी, किस तरीके से माहौल बदलेगा, और जिस टैली की हम उम्मीद कर रहे थे वही टैली रहने वाली है। शिवम अभी लगभग 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 चीजें उनके लिए पौने 12 बज चुके हैं, 1 घंटे में आपको लग रहा है कि आप जो इस टैली